मुकेश और आप देख रहे हैं यूरोपियन इंस फॉर जॉब। इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार मैट्रिक का रिजल्ट कब तक आ सकता है। ये जो अफवाहें हैं 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन, लेकर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रिजल्ट है वो आपके अप्रैल से बाद ही आएगा, लास्ट अप्रैल या मई स्टार्टिंग में आएगा, इससे पहले नहीं आ सकता। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल छपा है उस आर्टिकल को हम देखेंगे और किस अधिकारी ने कहा उसमें भी हम जानेंगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ऐसी अपडेट्स के लिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी को पता है कि इंटर का रिजल्ट आ चुका है जिसमें अच्छे खासे परसेंटेज, ये तो अब अच्छी बात है क्योंकि 10th के भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये असर लगाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके रिजल्ट कब तक आएंगे? पिछले साल 6 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर दिया गया था, पिछले साल तो 6 अप्रैल तक, लेकिन इस साल 6 अप्रैल का कोई चांसेस नहीं है। कॉपी की भी जाँच ही पूरी नहीं हो पाएगी, एक अधिकारी ने करते हुए कहा कि जो कॉपी है अभी तो कॉपी का जांच ही बाकी है, इसलिए अफवाहों में ना फैले। रिजल्ट अप्रैल में आने का कोई चांसेस ही नहीं है क्योंकि अभी कॉपी का जांच है। कॉपी की जांच के लिए अभी तो आपका 14 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि 14 अप्रैल तक तो लॉकडाउन है, तो वहाँ तक तो होने वाला नहीं। वहाँ जब जाँच स्टार्ट होगा तो उसके बाद ही होगा, पढ़ भी सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूँगा अगर पढ़ना चाहें तो। बिहार विद्यालय समिति ने इंटर परिणाम घोषित के बाद 10वीं परिणाम पर टिक गई। हालांकि पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन देखते हुए बिहार बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा परिणाम अप्रैल के अंत में पहले आने की संभावना नगण्य है। देख लीजिए आप खुद ही चैनल को पढ़, क्योंकि एक अधिकारी ने खुद बोला है, जो BSC का था, बिहार समिति परीक्षा का हेड है, उसने खुद बताया था कि 14 अप्रैल तो ऐसे ही लॉकडाउन हुआ था, पूरे अप्रैल में आने कोई चांस नहीं है। अगर आती है तो लास्ट अप्रैल हो सकता है या नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ मई, इससे पहले कोई चांसेस नहीं है क्योंकि बहुत इसमें कॉपी चेक होने हैं, फिर टॉपर्स के कॉपी चेक होने हैं, उनका नाम है देख लीजिए, प्रवक्ता राजीव द्विवेदी ने बताया। मैट्रिक के कॉपियों का सभी मूल्यांकन होता है, फिर टॉपर्स की कॉपी फिर से चेक होती है, फिर फिजिकली जांच होती है, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। इस बारे में भी यही सब बातें चल रही है, अर्थात आप इतना देर गए मई से पहले नहीं होगा, इसलिए अफवाहों में ना फैले। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये आ गई, अब आएगी, कब आएगी इसी बारे में, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मई से पहले नहीं आएगा, ये आप लिख कर रख लीजिए। यही जानकारी थी हमें और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।